हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपने पिछले वीडियो में आइडियल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन की कंबाइंड गैस लॉ के फॉर्म में। आज हम उसी गैस इक्वेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स अभी आपकी बुक के हैं, सॉल्व्ड हैं। अनसॉल्व्ड हम तब करेंगे जब आपको कोई समस्या होगी, कोई डाउट होगा। तो मैं बुक से क्वेश्चन एक बार रीड कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं ब्लैकबोर्ड पर इसका आंसर लिखूंगी। मेरा पहला क्वेश्चन है एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए, पहली बात, ये क्वेश्चंस हैं किस पर बेस्ड। ये क्वेश्चंस हैं जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है P1 V1 ओवर T1 और P2 V2 ओवर T2 पर बेस्ड। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ से इसी के ऊपर लूँगी। ध्यान रखिएगा किस पर बेस्ड है। P1 V1 ओवर T1 इक्वल्स टू P2 V2 ओवर T2 एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ HG प्रेशर। A gas occupies 600 mL volume. What will be its pressure at a height where temperature is 10 degree and volume of the gas is 640 mL? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इन्होंने दो चीज़ें दी हैं। देखिए, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमें ये चीज़ें आ जानी चाहिए। इनिशियल कंडीशंस हमें मालूम होनी चाहिए और हमें क्या पता होना चाहिए, फाइनल कंडीशंस। ठीक है, देखो ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हमें ये कंडीशंस मिलेंगी तभी तो हम इसको फॉर्मूले में पुट करके लिख सकेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास इनिशियल कंडीशन में प्रेशर जो है वो है 760 mm है। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम जो है वो हमारे पास 600 mL है। ठीक है, और टेम्परेचर जो है हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि इस 25 डिग्री सेल्सियस को हम कन्वर्ट कर लेते हैं कैल्विन में तो कितना हो गया, 298 केल्विन। ठीक है, अब फाइनल कंडीशंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी इट्स प्रेशर। इट मींस हमें P2 नहीं पता, P2 हमें कैलकुलेट करना है। V2 हमारे पास गिवन है, दैट इज़ 640 mL, और T2 भी हमें पता है, दैट इज़ 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 को हमने केल्विन में कन्वर्ट किया, इट बिकम्स 283 केल्विन। ठीक है, अब नई चीज़ क्या है, अब हमें अप्लाई करना है P1 V1 ओवर T1। ठीक है, P2 V2 ओवर T2, जो कंडीशंस हमें मिली हुई हैं और जो हमें कैलकुलेट करनी है उसको अलग अलग कर लेते हैं। हमें P2 कैलकुलेट करना है तो हमें क्या मिला, P1 V1 into में T2। अच्छा, और नीचे क्या मिला, T1 into में V2। अब आपके पास सभी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप पुट कर दीजिए। P1 कितना है, 760 mm। ठीक है, और बेटा V1 कितना है आपका, है 600 mL। वैल्यूज पुट कर रहे हैं बस, हम और कुछ नहीं कर रहे। T2 कितना है, 283 केल्विन। हम नीचे आते हैं बेटा, T1 कितना है, 298 केल्विन, और बेटा V2 कितना है, 640 mL। पहली बात तो यूनिट्स कैंसिल हो गई। ठीक है, अब हम जब इस सारे को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आना चाहिए, 676.6 mm। ये हमारा जो है P2 है, यानी कि फाइनल प्रेशर है। देखिए कितना इजी न्यूमेरिकल है, हमें कुछ भी तो नहीं करना, कोई भी चेंजेस नहीं करने, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज एंड जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। बस हमें क्वेश्चन केयरफुली समझना है, कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। आपको क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा कि आपकी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं गैस लॉ पे है या आइडियल गैस पे है, किस किस चीज़ के बारे में आपको दे रखा है और क्या चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। बस आपको क्वेश्चन ही अच्छे से समझना है। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लेंगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बेटा, ये जो है सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हैं, किस पर बेस्ड होंगे, ये PV and RT, ये इस गैस इक्वेशन पे बेस्ड होंगे। तो हमें इस गैस इक्वेशन में भी जो जो चीज़ें कैलकुलेट करनी है वो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, और हमें जो चीज़ें मिली हुई हैं उनकी हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर इंट्रोड्यूस्ड इन टू एन इवैक्यूएटेड वेसल ऑफ 5 लीटर। 10 ग्राम ऑक्सीजन किसी खाली डिब्बे में जिसकी कैपेसिटी 5 लीटर है उसमें रखी जाती है, मेंटेन्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर उस कंटेनर का कितना रहेगा, 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस इन एटमोस्फियर्स इन द कंटेनर। अब आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है तो हमारे पास रिलेशन क्या रहेगा कैलकुलेट करने का, PV = nRT। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं उनको देखते हैं। ये आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ वेसल ही वॉल्यूम ऑफ एयर होती है या वॉल्यूम ऑफ गैस होती है। सो
वॉल्यूम कितनी होगी. सो वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी मानी जाएगी, आइडियल गैस है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी मानी जाएगी हमारे पास 5 लीटर. ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी बेशक से बोल रहा हो लेकिन हम ये बात जानते हैं कि जो वेसल की वॉल्यूम होगी वही हमारी गैस की वॉल्यूम होगी. ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो देखने लायक करने लायक जो है चीज़ यूज है वो है टेम्परेचर. टेम्परेचर कह रहा है कि मेंटेन्ड है तो टेम्परेचर हमारे पास टी रहेगा. टेम्परेचर 27 डिग्री है तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, केल्विन में. केल्विन में कन्वर्ट करते ही ये कितना हो गया, 300 केल्विन. ठीक है, अब बारी आती है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कहाँ हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमें क्या क्या चाहिए. हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है गिवन अमाउंट और मास. अच्छा, ऑक्सीजन है तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमें पता होगा. अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर मास जो है ऑक्सीजन का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन हमें पता है 32 ग्राम होता है. तो गिवन मास 10 है, मॉलिक्यूलर मास 32 है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए कि नहीं आ गए नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, अब हमारे पास टोटल रिलेशन रहेगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. आर की वैल्यू हम यहाँ पर कौन सी लेंगे, आर की वैल्यू यहाँ पर देखिए लीटर में वैल्यू है, एटमोस्फेरिक में प्रेशर निकालना है, केल्विन में टेम्परेचर और मोल्स है. तो हमारी जो वैल्यू रहेगी 821 लीटर एटमोस्फेरिक पर केल्विन पर मोल वाली रहेगी. रिमेंबर दैट, यूनिट्स को देखकर आर की वैल्यू यूज करनी है. अब यहाँ से प्रेशर निकालना है तो रीअरेंज करेंगे वैल्यूज को, एन आर टी बाई वी. नाउ पुट द वैल्यूज, एन की वैल्यू रखेंगे 10/32. ठीक है, आर की वैल्यू रखेंगे 0.0821, टी की वैल्यू रखेंगे 300 केल्विन. बेटा यूनिट्स साथ में लिखते चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. लीटर एटमोस्फियरिक पर केल्विन पर मोल और बेटा 300 केल्विन. ठीक है, और हमारे पास नीचे क्या रहेगा, वॉल्यूम, दैट वन इज 5 लीटर. लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, ये भी मोल है तो मोल से मोल कैंसिल हो गया. यहाँ पर आप मोल लिखेंगे तो मोल से मोल कैंसिल. बचेगी कौन सी यूनिट, एटमॉस्फेरिक. इस एटमॉस्फेरिक यूनिट की वैल्यू फिर हम टोटल करेंगे तो कितनी आएगी, 1.54 एटमॉस्फेरिक. इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे हम तो 1.54 एटमॉस्फेरिक. ये सेकेंड टाइप की क्वेश्चंस थे जो PVNRT यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन पर ही बेस्ड हैं. बस यहाँ पर हमारे पास चेंज क्या है कि हमें N और R की वैल्यूज जो हैं वो फिक्स देखनी है, कौन सी लगेंगी और कैसे हम पुट करेंगे. राइट डाउन कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं. ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये डिपेंड करते हैं इस रिलेशन पर, यानी कि मास, मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी के रिलेशन पर डिपेंड करते हैं. ये हम डिराइव कर चुके हैं तो इसी रिलेशन के बेस पे ये क्वेश्चन है हमारा. क्वेश्चन क्या है, द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 3.80 ग्राम पर लीटर एट STP. STP दे रखी है कंडीशंस. कैलकुलेट इट्स डेंसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 700 टॉर प्रेशर. यानी आपको यहाँ पर एक ही गैस की दो अलग अलग कंडीशंस में डेंसिटी कैलकुलेट करनी है. पहली कंडीशन में डेंसिटी गिवन है, कंडीशन STP है. दूसरी कंडीशन में कंडीशंस गिवन है, डेंसिटी नहीं है. तो आप रिलेशन यहाँ क्या लगाओगे, रिलेशन यहाँ पर लगेगा PM/RT. ठीक है, यहाँ पर यही रिलेशन लगेगा ना कि डेंसिटी यहाँ पर रहेगी PM. आप इसको रीअरेंज करेंगे तो ये रिलेशन मिलेगा. लेकिन ज़रा सोचने वाली बात है, आपके पास D1 है, D1 कितना है, 3.80 ग्राम पर लीटर, क्योंकि डेंसिटी आपको गिवन है. अच्छा, D1 यानी आपकी इनिशियल कंडीशंस में D1 हो गई. हमें इसकी फाइनल कंडीशन भी चाहिए तो यानी कि D2 हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन D2 हमारे पास है ही नहीं. हम यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास टेम्परेचर जो रहेगा, टेम्परेचर रहेगा 273 केल्विन. अब आप कहोगे ये कहाँ से आया, इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है STP, और STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही स्टैंडर्ड वाले लगेंगे. यहाँ पर प्रेशर यानी कि T1 और P1 कितने रहेंगे, 760 टॉर. मैंने आपको बताया था कि 760 टॉर एटमॉस्फेरिक के बराबर होते हैं. अगर गिवन टेम्परेचर और प्रेशर अगर जिस यूनिट में है उसी यूनिट में हमें ना STP की यूनिट्स भी लेनी है. ऐसे ही बेटा T2 हो गया, T2 कितना हो गया, 27 डिग्री. 27 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम, केल्विन में. कितना हो गया, 300 केल्विन. फिर बेटा P2 है, P2 कितना है, 700 टॉर. आपके पास ये सभी वैल्यूज आ गई. अब आपको कह रहा है कि अगर आप D1 लेते हैं तो D1, P1, M, R और T1 हो जाएगा. ठीक है,
ये पहली इक्वेशन हो गई। ऐसे ही आप D2 लेंगे, P2, M, R और T2। मैंने M और R को चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि जो गैस है वो एक ही है, तो मॉलिक्यूलर मास बार बार चेंज तो होगा नहीं, सिर्फ डेंसिटीज और कंडीशन बदल रही हैं, और R भी क्या है, सेम है। ऐसी कंडीशन में अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के ये रेशियो निकालूंगी, इट मीन्स इफ आई डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो मुझे क्या मिलेगा, डी वन बाई डी टू। जरा ध्यान से देखना, डी वन बाई डी टू, डी वन की वैल्यू क्या थी, पी वन एम ओवर आर टी वन, ठीक है। इसको मैं पलट दूंगी क्योंकि डिवाइड में आने के बाद नीचे वाली चीजें ऊपर चली जाएंगी, आर टी टू ओवर पी टू एम, ठीक है। तो एम से एम कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, मुझे क्या मिल रहा है, पी वन टी टू, टी वन पी टू किसके बराबर मिल रहा है, डी वन बाई डी टू के। अब ये सारी वैल्यूज मुझे पता है, नाउ आई पुट द वैल्यूज, पी वन कितना है 700 टॉर, टी टू कितना है 273 केल्विन, दिस इज टी वन, सॉरी यहां पर 300 केल्विन हो गया, टी वन कितना है 273 केल्विन, और पी टू कितना है 760 टॉर, P1 है 760, ये है 700 टॉर। अब इन सभी वैल्यूज को अगर मैं सॉल्व करती हूँ, तो मुझे D1 D2 में मुझे D1 तो पता ही है, ऑलरेडी पता है D1 की वैल्यू, D2 निकालना है, तो D1 की वैल्यू कितनी होगी, 3.80 ओवर D2। यहाँ से जो कुछ भी आएगा उसको आप यहाँ लिखेंगे, 760 इंटू में 300, 273 इंटू में 700, एंड यू देन सॉल्व इट एंड यू गॉट द डी टू, और डी टू की वैल्यू आप यहां से जो निकालेंगे, तो डी टू की वैल्यू कितनी आएगी, लगभग आपके पास आएगी 3.185 ग्राम पर लीटर। तो डी टू आप यानी कि डेंसिटी जो है वो सेकंड आप कैलकुलेट कर रहे हो। ये किस पे बेस्ड है, इस रिलेशन पे बेस्ड है, इसको आप रीअरेंज करके डी की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज पी एम बाई आर टी। तो ये तीनों रिलेशन जो हमने आइडियल गैस से डिराइव किए थे, इन पे हमने एक एक क्वेश्चन कर लिया। आप जितने भी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं उनको ट्राई कीजिए, और फिर कोई डाउट है तो उसको हम देखते हैं।